Once again, and as we discussed in the previous class, to be or present, to be past, to be in future, to be in this class, I'm going to tell you the types of sentences, कौन-कौन से होंगे. हमारे पास basically there are four types of sentences. Number one is positive, जिसको affirmative भी कहा जा सकता है. And the next is negative sentences. And the third one is interrogative sentences and the fourth one is intronegative sentences. Statement में आप हमेशा इकरार की बात करते हैं. For an example, I am good, he is my friend, she is my sister, they are students. इसी तरह आप वहां पर इनकार की बात नहीं करते. And when you talk about negative sentences, in negative sentences आप हमेशा इनकार की बात करते हैं. No, I'm not your brother, I'm not teacher, you're not student, you're not good, I'm not fine. इसी तरह आप मैं ठीक नहीं हूं, वो अच्छा नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है. पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने जो भी आपको प्रेजेंट टू बी में, पास्ट टू बी में, फ्यूचर टू बी में पढ़ाए थे, दे वर ऑल पॉजिटिव सेंटेंसेस. आप उनके नेगेटिव भी बना सकते हो. अगर वहां पर हमने कहा था आई वॉज फाइन, तो आप यहां पर कह सकते हो आई वॉज नॉट फाइन. यहां पर आप नेगेटिव सेंटेंसेज में आप क्या करेंगे, नॉट लगाते हो, इनकार करते हो. Talk about interrogative sentences. Interrogative sentences में आप question पूछते हो. Am I your friend? क्या मैं आपका दोस्त हूँ? Is he my brother? क्या वो मेरा भाई है? Are they my students? क्या वो मेरे students है? सवाल आप पूछते हो. And the fourth one is intronegative sentences. इस तरह के sentences में आप सवाल भी पूछते हो और negativity भी show कर रहे होते हो. For an example, am I not your brother? क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं? Is she not my sister? क्या वो मेरी बहन नहीं है? यहां पर आप सवाल भी पूछ रहे हो एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर ऑल्सो आस्किंग अ क्वेश्चन. तो ये चार किस्म के सेंटेंसेस आप बी वर्ब्स के, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने आपको करवाए थे, उनके आप नेगेटिव भी बना सकते हो. अगर आप हमेशा आप इकरार तो नहीं करेंगे. सो व्हेन यू शो नेगेटिविटी, और अगर आप इनकार की बात करते हो, अगर आप नो की बात करते हो, तो फिर आप उसमें नोट लगाते हो. लेट्स मूव ऑन एंड लर्न हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू मेक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस. नाउ एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर वन इज पॉजिटिव सेंटेंस. हियर यू जस्ट शो योर इकरार, इकरारुल हसन, इकरार. एंड हियर यू शो इनकार. आप क्या करते हो, आप नोट मतलब इनकार शो करते हो. यहां पर आप सवाल पूछते हो और यहां पर आप क्या करते हो, सवाल भी पूछते हो. एंड अलोंग विद दैट आप सवाल भी पूछते हो और इनकार भी करते हो. अब हम एक एक स्टेटमेंट को प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में रखेंगे कि आप प्रेजेंट में किस तरह नेगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव बना सकते हो, फिर पास्ट में, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स फ्यूचर. As well, you can see present to be, if I take a sentence of I am happy, मैं खुश हूं, होने की बात हो रही है. अब ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट कि आप खुश हो. दिस इज पॉजिटिव सेंटेंसेज. वेन यू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेज, I am, एम के बाद आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे. I am not happy. इसका मतलब होगा कि आप खुश नहीं है. नेगेटिव सेंटेंसेज, यू आर नॉट हैप्पी, आपने इनकार कर दिया. व्हेन यू टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इट्स वेरी इजी, क्योंकि इंट्रोगेटिव में अगर आपने कहा है, जो आपका सब्जेक्ट और स्टेटिव वर्ब है, सब्जेक्ट आई है और स्टेटिव वर्ब एम है, सो आई एम है, आप इसको एम आई कर दो. ही इज ही. आई एम नॉट योर फ्रेंड, एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं. So when you talk about interrogative sentences, वहां पर आप क्या करते हो, जो आपका स्टेटिव वर्ब होता है, आप उसको सब्जेक्ट से पहले लगाते हो. वेर एवर यू टॉक अबाउट, आई एम आई, ही इज ही, आई वॉज आई वॉज योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त था, वॉज आई योर फ्रेंड, आपने आई वॉज कहा तो वॉज आई कर दो. आई विल बी योर फ्रेंड, तो विल को पहले लगा दो. विल आई बी योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूंगा. विल आई बी हैप्पी, क्या मैं खुश हूंगा. वॉज आई हैप्पी, क्या मैं खुश था. एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं. इसी तरह जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हो, तो आपने
जो स्टेटिव जो भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है या स्टेटिव वर्ब होते हैं वो आप सब्जेक्ट से पहले लगाते हो. आई एम तो ये बन जाएगा एम आई हैप्पी. क्या क्या मैं खुश हूं, ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ना अगर आप इंट्रोनेगेटिव की बात करते तो इंट्रोनेगेटिव कैसे बनेगा, वहां यहां पर आपने नोट ऐड कर देने, जो आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाया वो आपने इसमें नोट ऐड करने. एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूं. एंड द लास्ट यहां पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये आपका स्टेटमेंट कौन सा है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस. बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. आप कोई भी स्टेटमेंट, हमने पीछे जितने भी आपको पढ़ाया, आप तमाम स्टेटमेंट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव बना सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, शी इज माई सिस्टर, शी इज नॉट माई सिस्टर, शी माई सिस्टर, इज शी नॉट माई सिस्टर. इसी तरह तीन स्टेटमेंट आपने लाजमी बनाने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला. अगर आप ये नहीं बनाते तब भी देर इज नॉट टेंशन, क्योंकि दिस इज नॉट सो कॉमन. ठीक है, आपने इन तीन स्टेटमेंट पे काम करना है. आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, शी इज माई सिस्टर, शी इज नॉट माई सिस्टर, इज शी माई सिस्टर, ही इज माई ब्रदर, इज नॉट माई ब्रदर, इज ही माई ब्रदर. इसी तरह जब आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो देन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एक्सपर्ट, नॉट परफेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास्ट टू बी. पास्ट टू बी में भी हमारे पास जो सेंटेंसेज है वो क्या है, एम किस में चला जाएगा, वॉज में. आप यहां पर ही भी लगा सकते हो, ही वॉज हैप्पी, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट बना. जब आप इसका नेगेटिव स्टेटमेंट बनाओगे तो यहां पर आपने नोट ऐड करना है, ही वॉज नॉट हैप्पी, ये इसका नेगेटिव बन गया. फिर इंट्रोगेटिव आसान है, ही वॉज है तो वॉज ही कर दो, ये बन जाएगा वॉज ही हैप्पी, क्या वो खुश था. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इंट्रोनेगेटिव तो यहां पर नॉट ऐड करना है, वॉज ही नॉट हैप्पी. ये आपका पॉजिटिव बना, ये आपका नेगेटिव बना, ये आपका इंट्रोगेटिव बना, और ये आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बन गया. सो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स जस्ट पीस ऑफ केक कि अगर आप पॉजिटिव बना लेते हैं, नेगेटिव में नॉट ऐड करना है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव में आपने स्टेटिव वर्ब को शुरू में लगाना है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फ्यूचर टू बी. फ्यूचर टू बी में आप देख सकते हैं कि यहां पर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, जैसे लिखा हुआ है आई विल या दे कर लेते हैं, दे विल बी हैप्पी, वो खुश होंगे. अब व्हेन यू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस तो हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप नेगेटिव बनाते हो, जो भी आप नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हो, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपने जब भी नोट लगाने तो पहले पार्ट के बाद लगाने. जैसे जब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हो तो आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा विल, हैव, बीन. अब आपने इन तीनों में नोट कहां लगाना है, तो आपने नोट जो लगाना होता है वो यहां नहीं लगाना होता, या आपने नोट यहां पर लगाना होगा. जो पहला पार्ट है उसके बाद हमेशा क्या लगता है, नोट लगाया जाता है. तो यहां पर आप जब नोट लगाते हो, यहां पर जब आप नोट लगाएंगे तो वो नोट विल के बाद लगेगा, बी के बाद नहीं लगेगा. दे विल नॉट बी हैप्पी, वो खुश नहीं होंगे. अब विल नॉट की जो कॉन्ट्रेक्शन होती है, विल नॉट का जो कॉन्ट्रेक्शन है वो कुछ इस तरह लिखा जाता है. ये विल नॉट का कॉन्ट्रेक्शन है वॉन्ट. एक होते वांट, ये है वांट, और ये है वॉन्ट. इसका मतलब होते चाहत, चाहना, और इस वॉन्ट का मतलब ये इसकी कॉन्ट्रेक्शन है. तो ये बनेगा दे विल नॉट बी हैप्पी, और फिर होगा विल दे बी हैप्पी, क्या वो खुश होंगे. और जब आप इसका इंट्रो नेगेटिव बनाते हो, विल दे नॉट बी लगा सकते हो, विल दे नॉट, विल दे नॉट बी हैप्पी लगेगा, विल दे नॉट बी हैप्पी, क्या वो खुश नहीं होंगे. और आप ऐसा भी बना सकते हो कि आपने इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया,
वॉन्ट दे बी हैप्पी, क्या वो खुश नहीं होंगे। आप नॉट विल के साथ भी शुरू में लगा सकते हैं। सो एज यू ऑब्जर्व दैट कि हम एक ही स्टेटमेंट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव और फिर उसका इंट्रो नेगेटिव भी बना सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि आपने एक स्टेटमेंट को लेने, उसका प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाने, फिर उनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव। मैं आपके सामने एक एक्टिविटी करवाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हम पाकिस्तानी है, वी आर पाकिस्तानीज, We were Pakistanis and we will be Pakistanis। ये मैंने present में, past में and future में बना लिया। अब अगर मैं कहना चाहता हूं कि वो जिंदा है, he is alive, जिंदा के लिए alive का word लगाया जाता है, he is alive। अगर मैं कहना चाहता हूं वो जिंदा था, he was alive। अगर मैं कहना चाहता हूं वो जिंदा होगा, he will be alive। अब मुझे क्या करने, इसके negative, interrogative and intronegative sentences बनाने। He is alive, he is not alive, is he alive, क्या वो जिंदा है। ये आपके सामने आप प्रेजेंट टू बी का पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आगे, आई एम अलाइव, आई एम नॉट अलाइव, एम आई अलाइव, he is alive, is not alive, is he alive, इसी तरह वी। फिर आप पास्ट में चले जाते हो, आई वॉज अलाइव, आई वॉज नॉट अलाइव, वॉज आई अलाइव, ही वॉज अलाइव, ही वॉज नॉट अलाइव, वॉज ही अलाइव। और फिर फ्यूचर में he will be alive, he will not be alive, will he be alive। आपने तीन तरह के स्टेटमेंट्स को लाजमी बनाना है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एंड दिस इज योर एक्टिविटी कि आप एक पेपर ले पहले उनको लिख के, क्योंकि जब आप बोलने की लेवल तक पहुंचेंगे तो उसमें इट विल टेक सम टाइम्स, मे बी 2 or 3 days। तो पहले आप लिख के आप गलतियां करेंगे, देन यू मस्ट करेक्ट योर मिस्टेक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने अभी तक की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, डू शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स, ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट ऑफ इंग्लिश बड़े कम टाइम में और आसान तरीके से मिले। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।